हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको पपड़ी पिज्ज़ा बाइट्स की रेसिपी सिखाने जा रही हूँ। ये एक बहुत ही इजी और टेस्टी फिंगर फूड रेसिपी है जिसे आप बच्चों के लिए या फिर इवनिंग स्नैक में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी सामग्री चेक कर लेते हैं। सामग्री में मैंने लिया है 7 से 8 पपड़ी, 1/4 कप मोजला चीज ग्रेट करा हुआ, 2 टेबलस्पून बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, 2 टेबलस्पून बारीक कटा टमाटर, 2 टेबलस्पून बारीक कटा प्याज, 2 टेबलस्पून टमाटो केचप या पिज्जा सॉस, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, ऑरिगैनो जरूरत अनुसार, चिली फ्लेक्स जरूरत अनुसार। अगर आप तीखा नहीं बनाना चाहते तो इसे स्किप कर सकते हैं, और साथ में थोड़ी सी बारीक सेव। सामग्री हमने चेक कर लिए, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बाउल लीजिए, उसके अंदर बारीक कटा प्याज, बारीक कटा टमाटर और साथ में बारीक कटी शिमला मिर्च डाल दीजिए। अब हम टमाटो केचप डाल देंगे, साथ ही में चाट मसाला, क्योंकि चाट मसाला और टमाटो केचप के अंदर नमक होता है इसलिए मैं इसके अंदर नमक इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। और साथ में हम चीज भी इस्तेमाल करेंगे जिससे थोड़ा सा सॉल्टी और हो जाएगा। तो अगर आप नमक इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से, क्योंकि हम 3 चीजें नमक वाली इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे आपका नमक ज्यादा हो सकता है। अब साथ में हम इसके अंदर थोड़ा सा ऑरिगैनो डालेंगे, साथ में थोड़े से चिली फ्लेक्स, और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसे अच्छी तरह से मिला लिया है और हमारी टॉपिंग बनकर तैयार है। अब हम एक बोल लेंगे और उसके ऊपर एक पपड़ी रखेंगे और उसके ऊपर तैयार 1/2 टीस्पून या 1 टीस्पून स्टफिंग रख देंगे। इस तरह से थोड़ा सा चम्मच से फैला दीजिएगा ताकि पूरी पपड़ी पर स्टफिंग हमारी फैलाई हुई दिखे अच्छे से। इस तरह से, इसी तरह से हम सारी पपड़ी पर स्टफिंग लगाकर रख लेंगे। ये देखिए, सारी पपड़ी पर हमने स्टफिंग अच्छी तरह से लगा दी है। अब इसके ऊपर हम मोजरेला चीज को डालेंगे। मोजरेला चीज से हमने अच्छी तरह से पपड़ी को कवर कर लिया है। अब हम इन्हें सेकेंगे। एक पैन को अच्छे से गरम करिए और उसकी फ्लेम लो करते हुए इस पर बटर स्प्रेड कर दीजिए। बटर हमने अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया है। अब हम पपड़ी को प्लेस करेंगे इसके अंदर। फ्लेम आपको इसकी लो ही रखनी है। एक बार में मैं 4 पपड़ी प्लेस कर रही हूँ और इसे कवर करके 2 से 3 मिनट इसी तरह से हम सेक लेंगे। ये जब तक चीज मेल्ट नहीं हो जाता, जब तक आप इसे सेक लीजिए। 2 मिनट हो चुके हैं पपड़ी को सेकते हुए और चीज भी हमारा मेल्ट हो चुका है। इसकी फ्लेम बंद कीजिए और इसे एक प्लेट में निकाल लीजिए। सारी पपड़ी बाइट्स को हमने सेक कर रख लिया है। अब इसके ऊपर बिल्कुल हल्का हल्का चाट मसाला स्प्रिंकल कीजिए, साथ में थोड़ा सा ऑरिगैनो। चिली फ्लेक्स, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो चिली फ्लेक्स ना डालें। आखिर में बारीक सेव, बहुत थोड़ी थोड़ी स्प्रिंकल करनी है, ज्यादा ज्यादा क्वांटिटी में ना डालें। सेव भी हमने डाल दी है और पिज्जा पपड़ी बाइट्स हमारी सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसे आप एकदम गर्मा गर्म सर्व कीजिए, बहुत ही टेस्टी, चीजी और एकदम चटपटी लगती है। तो आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो, और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो आप इसको लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई क्वेश्चन हो आपको इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको इसकी इंग्लिश टर्न और हिंदी टर्न रेसिपी चाहते हैं तो आप मेरे वेबसाइट के पेज पर विजिट करें जो कि ashlafood.com। वहाँ पर आपको रिटर्न रेसिपी विद रेसिपी नोट्स भी स्टेप टू स्टेप मिल जाएगी। टिल देन, बाय बाय।